सड़क पे अपने खुद का की रोटी बनाते हुए जो किसान आज आंदोलित शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं, ये एक जो है एक देश ने इस प्रकार का आंदोलन मैं समझता हूँ नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। रास्ता निकालना सरकार का काम है, और अगर यद्यपि शुरू में ही अगर सरकार जब ये तीन कानून लाने की सोच रही थी उस समय संसदीय प्रणाली अपना लेती, संसदीय प्रणाली में स्टैंडिंग कमेटी में सभी किसान यूनियंस, किसान संगठनों और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ये हमारी प्रणाली है देश की, अगर उसी समय बुला लिया गया होता सबको, विचार विमर्श कर लिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं खड़ी होती। इसके लिए पूर्णतः सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारें, संवेदनशीलता दिखाएं, किसान हित को समझें देश के, और तुरंत समाधान निकालें। संवेदनशीलता मामले की भाप को भापते हुए इतनी लंबी लंबी तारीख ना दें, देश आज सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहा है। दीपन जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल, चूँकि हरियाणा की बात है, हरियाणा में आप लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाने की बात की है, जेजेपी ने बहुत देर से ये कहा कि एमएसपी की एक लिखित गारंटी दी जाए, सरकार में शामिल है, हरियाणा के किसान भी उतने ही उद्वेलित हैं जितने पंजाब के या बाकी दूसरे। ये जेजेपी और ये जो अजय चौटाला जी की जो स्टेटमेंट आई है, ये एक दोगली स्टेटमेंट है, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल रोल में जेजेपी दिखाई दे रही है। ये अगर इनको किसान का हित इतना सर्व अगर ये मानते हैं तो क्यों नहीं सरकार से अपना समर्थन वापस लेते। अकाली दल ने पंजाब में समर्थन वापस ले लिया, प्रकाश सिंह बादल जी ने अपना पद्म भूषण भी वापस कर दिया, आरएलपी पार्टी ने राजस्थान में समर्थन वापस लिया, हरियाणा के अंदर भी पिछले एक हफ्ते में तीन निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले चुके हैं। तो जेजेपी को ऐसा, ये जेजेपी अकेली ऐसी कौन सी पार्टी है इस इलाके के अंदर जिसको कुर्सी ज़्यादा प्यारी है और किसान को ठुकरा रही है? किसान से भी ज़्यादा कुर्सी को प्यार करने वाले को आने वाले समय में मतदाता वोट की चोट से जवाब देने का काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जेजेपी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड चलने नहीं होगा। सरकार अल्पमत में है आज की तारीख में। आज अगर जो कल नेता विपक्ष हरियाणा चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मांग की है, हरियाणा के अंदर तेज़ी से जो समीकरण बन रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन सरकार से वापस लिया, सरकार से किनारा किया है किसान के मुद्दे पे, उस बात को देखते हुए और जनता में सरकार विश्वास खो चुकी है, जैसा कि अभी हमने उपचुनाव में भी देखा था हरियाणा में, इस बात को देखते हुए उनकी मांग मानी जाए, तत्काल माननीय राज्यपाल महोदय एक आपात सेशन बुलाए हरियाणा विधानसभा का और हमें अविश्वास प्रस्ताव उसमें रखने की इजाज़त मिले, ताकि स्पष्ट हो सके कि भई ये जो सरकार जनता में विश्वास खो चुकी है वो विधानसभा का भी विश्वास खो चुकी है, और दूध का दूध पानी का पानी हो, ये क्लियर हो कि कौन सा विधायक किसान के साथ है और कौन सा अपनी कुर्सी के चिपका हुआ है। धन्यवाद। तो साफ तौर से दीपन जी का कहना है कि कौन सा विधायक खासतौर से हरियाणा में किसानों के साथ है और कौन सा सरकार में बने रहना चाहता है, ये स्पष्ट विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद ही होगा। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।